तरबूज जो है 100 रुपए का, 100 रुपए का दाना है, 2 किलो 3 किलो का दाना सिर्फ 100 रुपए में। इस तरीके से सारा पैकिंग वगैरह अभी हो रहा है। ये देखें, ये तमाम लोग जो हैं इस कैंप के बाहर खड़े हैं, रश लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं गुजर रहा था यहाँ मलिर हॉल्ट से, तो मैंने देखा यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सस्ता फूड बाजार। यहाँ पर लोगों को, गरीबों के लिए जो है एक स्कीम निकाली गई है। एक फैमिली अपनी मदद आप काम कर रही है, और आपको दिखाते हैं अंदर जाके कि 100 रुपए के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स दे रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें अंदर जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंदर जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये है इस वक्त मलिर हॉल्ट की कंडीशन, और यहाँ पर एक जो कैंप लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इस तरीके से कैंप लगा हुआ है और लोगों का एक जमे गफीर है। यहाँ पर काफ़ी लोग रश लगा के खड़े हुए हैं, और इस तरीके से फ्रूट मिल रहा है। अभी अंदर जाके भी आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं सारे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आसानियां की गई हैं लोगों के लिए। हर बंदा यानी कि इंडिविजुअल सोच रहा है, तो ये इस हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए इस तरीके से सोचा जाए लोगों के लिए, ना सिर्फ अपने टेक भरने के लिए। हाँ, तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ स्कैम के अंदर, मलिर हॉल्ट पर मौजूद है, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। 100 रुपये के हिसाब से 100 रुपये की थैली है, और चेक करते हैं कौन कौन से ये फ्रूट्स ये दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं तरबूज वगैरह सारा लगा हुआ है। बात इस तरीके से सारा पैकिंग वगैरह अभी हो रहा है, आप देख सकते हैं ये खरबूजा वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, और ये आप थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे अपना? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है। दूसरे रमज़ान से हमने ये अपनी मदद आपके तहत शुरू करा है। कोशिश यही है कि हर एक मुतवस्सित तबके तक, जो 25,000 30,000 40,000 कमाता है, उसके घर तक फ्रूट पहुँच जाए, फ्रूट पहुँच जाए, अल्लाह पाक कामयाबी दे रहे हैं। ये मुझे बताइए कि 100 रुपये लिखा हुआ है बचत बाजार, 100 रुपये की थैली है, किस हिसाब से मिल रहा है, प्रोसीजर बताइएगा सर। ये देखें, 100 रुपये की थैली है जिसके अंदर 1.5 किलो खरबूजा, 2 सेब, और इसी तरीके से ये 1 दर्जन से ज्यादा केला 100 रुपये में हम दे रहे हैं मार्केट में, 300 रुपये एक तरबूज से महीना भी दे सकते हैं। कोई ये तरबूज जो है 100 रुपये का, 100 रुपये का दाना, 2 किलो 3 किलो का दाना सिर्फ 100 रुपये में दे रहा है। अच्छा, कोशिश एक काविश को शुरू करी है, और यही मकसद है कि हर एक तक फ्रूट पहुँच जाएगी। रमजान चल रहे हैं, क्योंकि एक सदका जारिया भी हो जाएगा, और तमाम लोग इससे जो है फ़ायदा भी उठा सकेंगे। तो ये तमाम लोगों के लिए या सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए? नहीं नहीं नहीं, जो दिल चाहे आ सकता है इसके अंदर। हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि हर एक तक फ्रूट पहुँच जाए, तो जो भी इसके अंदर आना चाहता है, हम किसी को कोई भी आ सकता है, यानी कि खुला यानी कि बाजार एक तरीके से, नसो नसल कोई ऐसा वो नहीं है, जिसका दिल चाहे आके ले सकता है, एज लॉन्ग एज फ्रूट है। हम 3 बजे हमारी टाइमिंग लिखी हुई है 3 से 6, लेकिन आप देखेंगे इस वक्त के लोगों की लाइनें ऑर्गेनाइज तरीके से ऑलरेडी लगी हुई हैं। जी जी, इंशाल्लाह ये 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, 1 घंटे में खत्म हो जाता है। मैं भी एक बार आया था 4:45 बजे, तो ये खत्म हो चुका था। ऐसा ही है, चलिए बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, अल्लाह पाक इसमें बरकत है, और आने वाले जो है वक्तों के लिए आसानियां हो। थैंक यू वेरी मच। सर आप क्या समझते हैं, ये जो कैंप लगा हुआ है, तो इससे मामला क्या चल रहे हैं आपके, मतलब आसानियां हो रही हैं लोगों को या नहीं हो रही? नहीं है, आसानियां हो रही हैं लोगों को, मिल रहा है, और क्या है, अच्छी चीज़ है। 100 रुपये में हर चीज़ मिल जाती है इसके अंदर, और तरबूज़ अलग है और केले अलग है। 100 रुपये में मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे, 100 रुपये में एक चीज़ नहीं मिल रही होगी आपको मार्केट के अंदर, महंगी चीज़ें हैं। तो देखा आप लोगों ने कि लोगों के लिए भी आसानियां हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर फ्रूट्स का निज़ाम चल रहा है, और 100 रुपये के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें दी जा रही हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो, और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।